बच्चों, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव संबंधी बहुत सारे हमने सूत्र सिद्ध कराए हैं, लेकिन है क्या कि ये सब सूत्र कई एक दफ़ा भौतिक विज्ञान के पेपर में एक नंबर में लिखने को आ जाते हैं, लेकिन ये सब सूत्र एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो आप लोग एक काम करोगे, मैं सारे सूत्रों को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव के सूत्रों को एक बार फिर रिवाइज करा ले रहा हूँ और एक जगह इकट्ठे करके लिख दे रहे हैं, जिनसे आपको याद करने में उन्हें आसानी होगी, यानी आप दोबारा कॉपी पर नोट करो। देखो, नंबर एक, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र 1/4πε0 × Q/r2। नंबर दो, बिंदु आवेश के कारण विभव V = 1/4πε0 × Q/r। द्युध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4πε0 × 2π/r³। चौथा, द्युध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, विभव का सूत्र आया था 1/4πε0 × P/r²। पांचवा, द्युध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4πε0 × P/r³। और छठा, द्युध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव V = 0। निरक्षीय स्थिति में कितनी भी दूर या पास विभव निकलवाया जाए वो हमेशा जीरो होता है। तो बच्चों, ये आपके छह सूत्र हैं जिसको हमने छियों को सिद्ध कराया है, और इनको एक नंबर में कई एक दफ़ा पेपर में लिखने को आ जाता है, तो इनको आप कॉपी पे दोबारा नोट करेंगे और याद करेंगे।